नमस्कार, आज के इस वीडियो में धौलेरा स्मार्ट सिटी में लगने वाले हम जीएसटी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप धौलेरा में इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड हैं, आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया और आप करने वाले हैं, या फिर आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अभी तक आपने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा नहीं किया, तो यकीन मानिए यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से आप समझ जाएंगे कि आपको कितना जीएसटी देना है, किस अमाउंट पर जीएसटी देना है और यह जीएसटी आपको क्यों देना है। इन सब के बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं, तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखेंगे। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमें जल्द से जल्द अपने 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, जिससे कि हमें लाइव का ऑप्शन मिल जाए और हम लाइव आकर ऐसे टॉपिक डिस्कस कर सकें। तो उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस जीएसटी के बारे में अगर आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लाना चाहते हैं, मतलब कि ये कैसे इंप्लीमेंट हुआ, क्या आर्टिकल है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, तो इसके बारे में एक आप रजिस्टर्ड सीए या फिर रजिस्टर्ड वकील से बात कीजिए, क्योंकि ये उनकी फील्ड का काम है, ये मेरी फील्ड का काम नहीं है, ना किसी दूसरे की फील्ड का काम है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए पूरी रिसर्च करके ये वीडियो बना रहा हूं, और इस वीडियो में मैं जो भी आपको बताऊंगा वो पूरी वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन रहेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि सीए और वकील से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। देखिए, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब आप धौलेरा में इन्वेस्टमेंट करते हो, कई सारे लोग मुझसे कॉल किया, कई सारे लोगों ने ऐसे मुझसे कहा है कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट किया है और हमने फलाने यूट्यूबर से पूछा या फिर फलानी कंपनी से पूछा या फिर फलाने व्यक्ति से पूछा, और यूट्यूबर ने हमसे कहा कि भाई ये गलत है, कोई भी जीएसटी धौलेरा के अंदर नहीं लगता है। सबसे पहले वही बात आती है कि वो यूट्यूबर है, वो कोई सीए या फिर वकील नहीं है। और दूसरी चीज, अगर आप पूछ रहे हैं तो आप एक सही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पूछिए। सही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा? सीए या फिर वकील आएगा, वो कंपनी आपको बरगलाएगी कि मैं इनको डाइवर्ट कर लेता हूं, बाद में तोड़ मरोड़ के आपको बता दूंगा कि भाई इतना जीएसटी लगेगा, और वही बात आपकी फिर वहीं पर भी सेम होगी, लेकिन वो आपको बरगलाएंगे कि भाई आप शायद डाइवर्ट हो जाओ, शायद आप उस कंपनी से स्विच होकर हमारी कंपनी में आ जाओ। इसलिए आप सही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर बात करेंगे तो आपको सटीक और सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके लिए बोलते हैं ना कि जब हमें कोई भी बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ना कि हम सब्जी वाले के पास या फिर ना तो हम प्लम्बर के पास, तो इनके पास नहीं जाते। तो मतलब डॉक्टर बीमारी में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सही रहता है। इसलिए कोई भी आप अगर प्रॉपर्टी के मामले में कोई भी आप कंफ्यूजन है, जीएसटी के मामले में कंफ्यूजन है, तो सही जीएसटी कंसल्टेंट से बात कीजिए, सीए से बात कीजिए और एडवोकेट से बात कीजिए। तो एक क्लियरिटी जो मैं आप लोगों को देना चाहता था। अब मैं आगे आपको बता दूं कि देखिए, धौलेरा में दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक पूरी लैंड होती है, मतलब सपोज कीजिए एक 10 बीघा या 5 बीघा या फिर 2 एकड़ की एक लैंड है, और कोई व्यक्ति उस लैंड को खरीद रहा है, और उसका ओनर जो है वो एक्स एक ओनर है, वाई उस लैंड को खरीद रहा है। अब जो एक्स ओनर है उसने वाई से कहा है कि मैं ये सीधी लैंड आपको दे रहा हूं, इसमें मैं कोई डेवलपमेंट नहीं करूंगा, ना तो इसमें कोई सॉइल फिलिंग करूंगा, ना मैं बाउंड्री वॉल बनाऊंगा, ना आपको सीवेज की लाइन दूंगा, ना वाटर की, ना इलेक्ट्रिसिटी की, ना कोई पार्क बनाऊंगा, ना कोई रोड रास्ते, सीधी लैंड में ट्रांसफर आपको कर रहा हूं आपके नाम पर। अब जो वाई व्यक्ति, उसने कहा ठीक है भैया आप कर दो। अब जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है तो एक्स वाई से जीएसटी नहीं मांग सकता। जहां तक मैंने रिसर्च किया उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें अब एक्स वाई से कोई भी जीएसटी नहीं मांग सकता, क्योंकि उसने डेवलपमेंट नहीं किया है, और जहां पर डेवलपमेंट होता है तो वो चीज एज अ सर्विस काउंट होती है। अब हम उस पर बात करते हैं। सपोज कीजिए, देखिए, और ऐसा हो भी रहा है धौलेरा में, 99% लोग प्लॉट में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1% व्यक्ति होते हैं कि जिनके पास करोड़ों का बजट है तो वो लैंड लेते हैं। तो जो 99% लोग हैं उनके लिए ये बात है कि अगर आपने कोई प्लॉट धौलेरा में लिया है और एक सोसाइटी के अंदर आपने प्लॉट लिया जहां पे 20, 25, 50, 40 जितने भी प्लॉट हैं वो प्लॉट हैं, और वो प्लॉट आपको डेवलपर डेवलप करके दे रहा है, डेवलप मतलब उसमें आपको सीवेज, ड्रेनेज, वाटर, आपके प्लॉट का बाउंड्री वॉल, सोसाइटी का बाउंड्री वॉल, रोड रास्ते, पार्क, प्ले सेंटर एरिया, ये सब वो आपको करके दे रहा है। अब अगर वो ये करके दे रहा है तो ये सारी चीजें एज अ सर्विस ट्रीट होंगी, और इस पूरे पूरा जो डेवलपमेंट होगा और उस डेवलपमेंट चार्ज पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अब एक डाउट क्लियर हो गया कि भैया जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अगर आप पूरा लैंड ले रहे हैं तो नहीं लगेगा, अगर आप एक प्लॉट ले रहे हैं, डेवलप प्लॉट ले रहे हैं, तो 101% उस पर जीएसटी लगेगा। ये कोई नहीं बोल सकता कि उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब आती है दूसरी बात कि भाई जीएसटी तो लगेगा, लेकिन कितना लगेगा? क्या वो 5% लगेगा, 12% लगेगा, 18% लगेगा, या फिर जो जीएसटी का मैक्सिमम स्लैब है 28% या वो लगेगा? तो अब हम उस पर बात करते हैं कि कितना जीएसटी लगेगा। देखिए, अगर आप कोई प्लॉट ले रहे हैं और वो डेवलप करके आपको मिल रहा है तो उस पर 18% जीएसटी लगेगा। अब हो सकता है कि कई सारे लोग मुझसे अग्री ना करें, क्योंकि भैया मैं मान सकता हूं इंटरनेट पर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें कंफ्यूज कर रही हैं, लेकिन अब मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं, और इस प्रूफ के बाद
एक आपको मैं रिकॉर्डिंग भी सुनाने वाला हूं, और उस रिकॉर्डिंग में मैं खुद एक सीए से बात कर रहा हूं। उन सीए का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, उन सीए से बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उन्हीं सीए से आप पूछिए, आप अपने सीए से पूछिए, आप अपने वकील से पूछिए, आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो मैंने उन सीए से पूछी। वो एक रेप्यूटेटेड सीए है और एक अच्छे खासे सीए, अच्छी खासी उनकी फर्म है और बहुत बड़े लेवल पर काम करते हैं, वो कॉपरेटिव कंपनीज के लिए काम करते हैं। उनसे मैंने बात की, तो वो रिकॉर्डिंग भी आप सुनेंगे। लेकिन पहले मैं आर्टिकल आपको पढ़ के बता रहा हूं, स्क्रीन पर भी आपके आर्टिकल आएगा, उस आर्टिकल को आप पढ़िए, शायद इसी आर्टिकल से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए आर्टिकल है रेट ऑफ टैक्स, मैं पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ूंगा, जो मेन मेन लाइंस है वो मैं पढ़ूंगा, आप भी अपनी यहां पे पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर पीछे। इस पे लिखा हुआ रेट ऑफ टैक्स है, उसके ऊपर भी कुछ था, ये लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन में दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। इस पे लिखा हुआ है सिंस द ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट टू द डेवलपर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंड इनटू सेलेबल इट वुड द प्लॉट वुड अमाउंट टू सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब कि जो मैं बता रहा था कि सर्विस पे ट्रीट होगा वो डेवलपमेंट, एंड नो स्पेसिफिक एंट्री अवेलेबल अंडर नोटिफिकेशन नंबर दिस द रेट शेल बी पर एंट्री 35, ये आर्टिकल होगा कोई जीएसटी के रूल्स और रेगुलेशन में, विच इज फिक्स्ड एट 18%। एक ये सबूत हो गया, इसके नीचे ही बहुत सारा कुछ लिखा है इस 18% के ऊपर, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके वो सब पढ़ सकते हैं, या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। अब ये दूसरा आर्टिकल है, ये क्लियर टेक्स से मैंने निकाला है, क्लियर टेक्स जानी मानी कंपनी है जीएसटी की। इसमें लिखा हुआ जीएसटी इंपैक्ट ऑफ लैंड सेल्स ऑफ डेवलपमेंट प्लॉट ऑफ लैंड, मतलब कि कितना जीएसटी लगेगा उस पर लिखा हुआ। मैं एक नीचे की लाइन पढ़ रहा हूं, आप यहां पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है इन द केस ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड टू डेवलप्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड अ जीएसटी रेट ऑफ 18% एप्लीकेबल, मतलब क्लियर है कि कोई भी प्लॉट अगर आपको डेवलप करके मिल रहा है तो उस पर 18% जीएसटी लगेगा। अब सबसे बड़ा सबूत वो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, उसके बाद शायद आपको पता लग जाएगा कि भैया 18% जीएसटी लग रहा है। तो जो भी यूट्यूबर, जो भी कंपनीज, या फिर जो भी व्यक्ति, या फिर जो भी आपका जो इन्वेस्टर है दूसरा, उसको कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को आप उनको भी शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि अब इस वीडियो को आप फॉल्स साबित करके दिखाएं, इस वीडियो को गलत साबित करके दिखाएं। मैं पूरी गारंटी ले रहा हूं कि वो गलत साबित नहीं कर पाएंगे। तो आप आगे रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, उसके बाद हम फिर आगे बात करते हैं। हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ गुड इवनिंग सर, दिलीप सर से बात हो रही है क्या? जी बोल रहा हूँ, बताइए। तो सर मैंने एक सॉरी सर मैं थोड़ा आपका 2 मिनट का टाइम लूंगा, तो आप कोई दिक्कत तो नहीं है सर? एक्चुअली मैंने गुजरात में एक लैंड लिया है, डेवलप्ड प्लॉट है वो सर, तो उस पर वो जीएसटी मांग रहे हैं। क्या है, क्या लैंड लिया है? तो एक प्लॉट लिया है मैंने, प्लॉट जो है वो डेवलप्ड प्लॉट है, मतलब उसमें वो सीवेज, ड्रेनेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बाउंड्री वॉल्स वगैरह करके दे रहे हैं, रोड रास्ते वगैरह सब बना के दे रहे हैं, तो उसमें वो जो डेवलपमेंट चार्ज है उस पर वो जीएसटी मांग रहे हैं। हाँ डेवलपमेंट चार्ज कर लेंगे वो। कितना परसेंटेज लगेगा सर? मेरे हिसाब से 18 होना चाहिए। 18%? हाँ 18% मांग रहे हैं। 12 या 18 होना चाहिए वो। 18% मांग रहे हैं सर। ठीक, लेकिन सर मैंने ना जीएसटी के सारे वो देख लिए, वो जो भी चार्जेस वगैरह उसमें कहीं 18% लिखा हुआ नहीं है, मतलब खुद एनआईसी के पोर्टल पर जाके देखा मैंने और जीएसटी की पोर्टल पर जाके देखा। बिल्डिंग तो बना कर दे नहीं रहे वो। हाँ केवल डेवलप करके दे रहे हैं बेसिक एमिनिटीज जो है। बिल्डिंग होता तो 12% लगता। हाँ डेवलपमेंट चार्जेस पर 18% लगेगा। बिल्कुल ठीक ले रहे हैं, गलत नहीं ले रहे। अच्छा तो गलत नहीं ले रहे हैं, आप रसीद ले लीजिएगा। अच्छा तो वो रसीद सर मुझे ये पैसा जो है वो गवर्नमेंट को देना है या फिर डेवलपर को देना है? वो डेवलपर को आप देंगे, वो इनवॉइस आपको देगा। अच्छा डेवलपर इनवॉइस देगा। हाँ उस इनवॉइस में उसका जीएसटी नंबर लिखा होना चाहिए। अच्छा अच्छा समझ गए सर, समझ गए। हाँ तो इसका मतलब वो सही जगह पैसा जाएगा, वो आपसे गलत नहीं कर ले सकता। अच्छा तो गलत नहीं है उसमें कुछ, मतलब 18% लगेगा। थैंक यू सर, बस इतना ही पूछना था। थैंक यू सो मच सर, मुझे लगा था आप शायद कॉल ही पिक नहीं करोगे। थैंक यू सर। नहीं, थैंक यू सर। तो उम्मीद है कि ये रिकॉर्डिंग आपने सुन ली होगी और इस रिकॉर्डिंग में आपने भी यही भी सुना होगा कि मैं एक अननोन सीए से बात कर रहा हूं। और मैं आपसे फिर भी कहूंगा कि अगर आपको अभी भी बिलीव नहीं है तो आप किसी दूसरे सीए से बात कर सकते हैं। इस वीडियो पे अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप किसी दूसरे सीए से बात कीजिए, दूसरे एडवोकेट से बात कीजिए, वो आपको बता देंगे कि हाँ भैया ये चेंजेस हुए हैं और 18% जीएसटी एप्लीकेबल है। कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये फाइनलाइज नहीं है, ये सिर्फ प्रपोज्ड किया गया है। भाई ये प्रपोज नहीं किया गया, ये फाइनल है, क्योंकि कोई भी सीए तब तक नहीं बोलता है जब तक वो फाइनलाइज ना हो जाए। और सीए के थ्रू मैंने आपको ये बात कंफर्म की है, लेकिन फिर भी आप अपने सीए से जरूर पूछिएगा। तो उम्मीद है कि जीएसटी के मामले में आपको जो भी कंफ्यूजन था वो अब शायद दूर हो गया हो। अगर दूर हो गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, लेकिन फिर भी अगर कोई और डाउट है तो आप हमें कॉल कीजिए। आपके इन्वेस्टमेंट में हम सारी मदद करेंगे, कौन सी लोकेशन सही है, कितनी रेट होनी चाहिए, कहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको क्रॉस वेरीफाई करनी चाहिए, ये सब हम आपको आपके फोन पर जानकारी देते हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और
चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।